चलो कश, चलो बाय कर लो दादी से। नमस्कार, मैं हूँ आपके अपनी शैल। मेरे चैनल सेल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये देखिए, हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कहाँ चल दिए। तो देखिए, आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, ये कुछ सरप्राइज है। तो हम लोग जा रहे हैं दो फैमिली कहीं पर विजिट करने। तो बस थोड़ा सा ट्रिप प्लान करे हैं, तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो आप लोगों को सरप्राइज देंगे, बस वीडियो पर मेरे बने रहिए। लास्ट तक मैं आप लोगों को बता दूंगी कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। तो हम लोग निकल लिए हैं सुबह सुबह। तो ये मेरे घर पे ही हम लोगों को लेने आई थी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने ही बैठ गए हैं और अब आ गए हैं मेन हाईवे पर और निकल चुके हैं अपने मंजिल की ओर। तो ये देखिए, बस सभी लोग हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे लोग भी हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। ले ले गीता, हाथ न दर्द हो, पास को ले ले। नहीं, याद याद नहीं आ रहे तुम तो पूरे रास्ते। टीचर की, मैम की मदर इन लाइफ स्पाइरल बंद है। तो भाई, चलते चलते गाड़ी का जो है वो डीजल भी ख़त्म हो गया है और हमारे पेट पूजा का भी समय हो गया है। जो एनर्जी थी तो हमारे पेट की भी सब ख़त्म हो गई है। तो अब हम अपनी गाड़ी फुल कराएंगे, फिर अपना पेट फुल करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग अपनी मंजिल को और रवाना होंगे। तो यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड है वो ब्रेकफास्ट घर से बना के लाई है, नमकीन सेवैयाँ। तो वही हम लोग इंजॉय कर रहे हैं टिफ़िन में और यहाँ पर खाएंगे। इसके बाद हम बच्चों को भी पेट पूजा करा देंगे, मिल्क वगैरह जो भी है यहीं पर पिला देंगे, फिर रवाना होंगे अपने मंजिल की तरफ। कशु, कहाँ जा रहे हो बेटा? कशु, कहाँ जा रहे हो घूमने करने? किसमें? तो कोई कहाँ जा रहे हो? चल रही है क्या इसमें? हैं? मरो। जा रहे हैं बेटा। तो हम लोग बहुत समय से चल रहे हैं और चलते चलते काफ़ी घंटे बीत चुके हैं, फिर भी अभी मंजिल में नहीं पहुंचे हैं। और ये देखिए, रास्ते पर मेरा बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी जगे थे और लास्ट नाइट काफ़ी लेट सोए भी थे। तो इस वजह से मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। और ये देखिए, बच्चों की मस्ती, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं सारे। तो सोने का भी समय नहीं मिला कि थोड़ा सा सो लें, बट मैं आंख बंद करके थोड़ा बैठी तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। और अभी ये देखिए, कितना ही प्यारा प्यारा व्यू है, आप देख सकते हैं। रास्ते में हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग भी इंजॉय करते रहिए, चलते रहिए हमारे साथ, तो आपको पूरा सरप्राइज का पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, ये बीच में जो नदी वगैरह मिली तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, आप लोग भी देख सकते हैं। तो बस ऐसे ही हम लोगों को बातचीत करते हुए बहुत समय निकल गया और रास्ते का पता भी नहीं चला, और इंजॉय करते हुए सभी लोग हम लोग जा रहे हैं। तो बस सब अपना अपना व्यू रख रहे हैं कि कैसे क्या प्लान करते हुए जा रहे हैं, कि
कि कैसे चलेंगे, कहाँ चलेंगे, यही सारी चीज़ों की प्लानिंग होते हुए जा रही है और अपना अपना एक्सपीरियंस सभी लोग शेयर करते हुए जा रहे हैं। गए हैं रणथंभौर। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर होता है जो है जंगल सफारी नेशनल पार्क है, तो बस वहीं पर हम लोग घूमने आए हैं। तो हम लोगों ने जो होटल लिया है, ये होटल है सुल्तान बाग, तो ये सिटी से काफ़ी दूर है, आउट एरिया में है। और जो ये हमने होटल काफ़ी नेट पे सर्च किया और इसके व्यूज़ वगैरह देखे थे, रिव्यू वगैरह, तो काफ़ी इसके अच्छे थे, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन ही बुक कर ली थी, इसमें जो भी बुकिंग वगैरह होती है। और बस यहाँ पर हम लोग आए हैं। चलिए मैं आप लोगों को भी होटल का विज़िट करा दे रही हूँ। तो यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं अंदर की तरफ, तो सामने से कुछ ऐसा नेचुरल व्यू लगता है राजा महाराजा का, और नाइट में और ही प्यारा लगता है। तो ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये है रिसेप्शन, तो और ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पर कई सारे कैरम वगैरह गेम वगैरह हैं जो कि बच्चे यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने कैंटीन एरिया दिखाया है, और एग्जिट्स यहाँ से बाहर होते हैं। तो ये जब हम ग्राउंड की तरफ जाते हैं, ये गार्डन है, तो इसके साइड में काफ़ी बने हुए हैं जो टेंट के होम रहते हैं, उस तरीके से कैंपिंग जैसे रहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है टेंट होम। तो आप जिस तरीके से लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी के हैं, जो कि आपको मैं एक कैटेगरी घुमा दे रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से, ये देखिए ये टेंट के बने होते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा नेचुरल फील होगा, जैसे कि देसी लुक में रहता है, राजस्थानी लुक में। तो आप अगर आएँ तो रह सकते हैं, काफ़ी अच्छे रूम्स वगैरह हैं। बट हम लोगों को थोड़ा सा ऐसे चाहिए था कि थोड़ा सा और अच्छा हो, क्योंकि छोटे बच्चे वगैरह हम लोग साथ में लिए हैं, तो बच्चे उछलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा कम कंफर्टेबल था, तो इसलिए फिर ये वाला रूम हम लोगों ने कैंसिल करके दूसरा वाला लिया है। लेकिन अगर कपल हैं तो वो लोग ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, और अच्छा भी बहुत लग रहा है। ये देखिए बाहर से इस तरीके से दिखेगा, पूरा आपका लकड़ी का फर्श मिलेगा और टेंट के इसमें वॉल वगैरह मिलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। चलिए तो मैं इस वाले होम में आप लोगों को विज़िट करा दे रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना है, और बाहर का कुछ इस तरीके से व्यू है। तो ये सबसे लो प्राइस में है, ये देखिए देसी लुक मिलेगा, जैसे गांव में किवाड़ होते हैं उस तरीके से मिलेगा। और ये आपको एक बेड, डबल बेड मिलेगा, और यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। तो एक और टेंट हाउस था, वो थोड़ा सा इससे अच्छा था, तो मैं आई हूँ पॉट से। हम आ गए हैं अभी अपने रूम पर, तो मैं करा दे रही हूँ रूम का विजिट। यार चप्पल अप्पल तो मुझे लगता है यहीं बाहर ही उतार, तो गंदा हो जाएगा रूम। तो ये है बेडरूम, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय कॉफी कुछ भी बना सकते हैं, और यहाँ पर आप टेबल में बैठ सकते हैं। ये लगी है एसी,
और ये है साइड टेबल के लैम, और ये है हमारी अलमीरा जहाँ पे आप सामान लगा सकते हैं, और ये है मिरर। ये देखिए मैं कितना सामान लेके खड़ी हूँ। मैं आप लोगों को करा दे रही हूँ बाथरूम की विजिट। मैं एंटर कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ड्रायर वगैरह लगा है, और ये यहाँ का वॉश बेसिन है, और ये देखिए इस तरीके से ये वो टेंट हाउस वाले रहते हैं उस तरीके से ये है यहाँ का, और ये है सीट, ये है बाथरूम। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और ये हूँ मैं। तो बस हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, देखिए अच्छा लग रहा है ना, अलग से है, मस्त लग रहा है।